अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो लाइन। कैसे हैं सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए ये मेकअप लुक लेकर आई हूँ। ये स्मोकी ग्लिटरी आईज़ हैं और ये बहुत हसीन लग रही हैं। सुपर इजी तरीके से मैंने इस लुक को अचीव किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये लुक किस तरह अचीव की है, तो मेरे साथ साथ रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं तो उसको लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे यह होता है कि जब आप, बहुत से लोगों को नहीं पता कि सब्सक्राइब करना भी होता है, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आपको वहाँ दिखता है, उसको हिट करें, क्योंकि उसको हिट करने से मेरी जितनी भी नई वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आप लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ अच्छी चीज़ ही सीखने को मिलेगी। तो जो प्रोडक्ट्स मैंने अपने फेस पर यूज़ किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी सारी डिटेल डाल दूँगी। नहीं तो चलते हैं हम इस लुक को करने के लिए। यहाँ पर मैंने एले गल प्रो कंसीलर के साथ अपनी आईज़ को सेट कर लिया है, और कोई भी गोल्डन शेड उठाकर आप अपनी ब्रो बोन और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर दें। मैंने हुदा ब्यूटी की रीमास्टर रोज़ गोल्ड पैलेट में से एक न्यूट्रल ब्राउन शेड उठाया है और इसे अपनी पूरी लिड पर लगा दूंगी, और साथ ही साथ अपनी लोअर लैश लाइन पर भी इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी, और इस तरह सर्कुलर मोशन में और विंग शील्ड मोशन में ब्रश को घुमाऊंगी, क्योंकि इसी तरह आपके शेड अच्छे तरीके से ब्लेंडेड नज़र आते हैं। और ये बिल्कुल ब्लेंडेड लुक होनी चाहिए आपकी। दिख रहा है आपको, ये इस तरह से आपका कलर आना चाहिए। आ रही हूँ ये, और इसको बिल्कुल एक चिपटे ब्रश के साथ उठाऊंगी, क्योंकि ब्लैक कलर के साथ थोड़ा सा डस्ट ऑफ लाजमी किया करें, क्योंकि वो फिर सारा कुछ नीचे आना शुरू हो जाता। बिस्मिल्लाह, मैं जस्ट इसको पैट करूंगी। मेरी बालों की कंडीशन को प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि रात के 3 बजे जब आप बिस्तर से उठते हैं तो कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं। इसी पैलेट में से सैंडलवुड शेड उठाऊंगी, जो मैंने अपनी क्रीज पर लगाया था, पूरी लिड पर लगाया था, उसके साथ इस शेड को ब्लेंड आउट करूंगी। आपने शेड को इस तरह ब्लेंड करना है कि ये एक दूसरे में मर्ज हो जाए, एक दूसरे से निकला हुआ नज़र आना चाहिए, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। अब मैं रिमल का जेल आईलाइनर लेकर इसे अपनी लोअर लैश लाइन पर एक रफली तरीके से लगा लूँगी, और ब्लैक आई शेडो के साथ इसे स्मोक आउट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर ग्लिटर ग्लू लगा चुकी हूँ, और इस पर मैं अब ग्लिटर लगाना स्टार्ट करूँगी। मैंने बिल्कुल नॉर्मल ग्लिटर यूज़ किए हैं, किसी ब्रांड के नहीं हैं। अब मैं काजल लगा रही हूँ और मस्कारा लैशेस से पहले लगाऊंगी। पर मैं आईब्रोज और आईलैशेस लगाकर आती हूँ। लैशेस मैंने लगा ली हैं, आईब्रो मैंने बिल्कुल लाइट लाइट की है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं की, और लिप पेंसिल मैंने कलर स्टूडियो की। और अब हम कर लेते हैं कंटूर। एले प्रो कंट्रोल ले रही हूँ, और इसको मैं यहाँ से लगाऊंगी। ठीक है, अभी आपको मेरा फेस काफी चिट्टा पटक लग रहा होगा, लेकिन हम इसको अभी ठीक कर लेंगे। भूतनी लग रही हूँ। ऐसे एंगल ब्रश लूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर फैट्स होते हैं तो वो यहाँ भी कंट्रोल करेंगे।
कंट्रोल को हमेशा ऊपर की तरफ आप किया करें कि आपका फेस लिफ्टेड लगे। जब आपने इतनी वाइट फाउंडेशन लगाई हो तो कंट्रोल के ज़रिए आप अपनी फाउंडेशन को सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने फेस को स्लिम भी दिखा सकते हैं। लिक्विड कंट्रोल को थोड़ा सा ब्लेंड होने में टाइम लगता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी देर तक चल जाती है। कंट्रोल के साथ अब मैं आर्टिको का ये कंट्रोल शेड ले रही हूँ 21, और ये पाउडर से मैं इसको सेट कर दूँगी। क्योंकि जब आप पाउडर से सेट करते हैं तो आपका मेकअप बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और ये 8-10 घंटे आपका चल जाएगा। जब आप इस तरह का मेकअप करते हैं नूड्स में, ब्राउन्स में, तो आप कभी भी ये वाला ब्लश यूज़ नहीं करेंगे जो पिंक शेड में होगा, वो आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम इस तरह का ब्लश या फिर इस तरह का, मैं कलर स्टूडियो की ये दो ब्लश ले रही हूँ और इन दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी। मैं यहाँ पर मैक का पेप एंड प्राइम ले रही हूँ और इसको मैं लगाएंगे मेरा फेवरेट पार्ट, हाइलाइटर। हाइलाइटर को मैं अपनी नोज़ की ब्रिज पर और नोज़ की टिप पर लगा दूंगी, क्योंकि मुझे अपने नाक को थोड़ा सा पतला दिखाना होता है। और साथ ही साथ इसे मैं चिन पर लगा दूंगी और चीक बोन पर भी लगा दूंगी। वैसे मुझे आजकल बम्स निकले हुए हैं, तो कभी भी हाइलाइटर टेक्सचर्ड स्किन पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो फिर प्रोमिनेंट हो जाता है मज़ीद। आप मेरे फेस पे ग्लो देख रही होंगे, हाइलाइटर जम जम कर रहा है। ये पैका का हाइलाइटर यूज़ किया और इससे आपकी एक खूबसूरत, ये बहुत फेवरेट है मेरा, बहुत ज़्यादा फेवरेट। हुदा की लिपस्टिक ले रही हूँ आइकन, और इसको मैं देखती हूँ अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो मैंने लगाई है ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा, मैंने सिर्फ आउटलाइन दी है और मैंने मिड में नहीं लगाई, क्योंकि मुझे बहुत डार्क शेड नहीं चाहिए, बस ऐसा ही चाहिए। तो मैं अभी आती हूँ। होपफुली आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा और आप क्या सीखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मेकअप बिगनर्स के लिए है। जिनको बिल्कुल मेकअप नहीं आता वो बहुत आसान तरीके से ऐसे ग्लैम लुक खुद को दे सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की लुक अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।